तेलंगाना वक्फ बोर्ड की मीटिंग को लेकर बोर्ड के अरकान की जानिब से एतराज जाहिर करने के बावजूद आज हज हाउस नामपल्ली में वाक़ वक्फ बोर्ड दफ्तर में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में मीटिंग मुनक़द हुई। इस मीटिंग में जहां बोर्ड के कई अरकान दिखाई दिए तो हैरत की बात यह भी सामने आई कि वक्फ बोर्ड की मीटिंग की जैसे ही शुरुआत हुई मीडिया पर्सनल को मीटिंग की जगह आने से मना कर दिया गया। इस मौके पर ऑफिस के बाहर लगी गेट को भी ताला लगा दिया गया। मीडिया नुमाइंदों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए मीडिया मीटिंग का बायकॉट करने की भी खबर सामने आई है। इससे पहले वक्फ बोर्ड मेंबर वहीद अहमद एडवोकेट ने आज सुबह 8 बजे वक्फ बोर्ड के एजेंडे और मीटिंग की आजिलाना इत्तला पर नाराजगी जाहिर करते हुए फेसबुक पर लाइव आते हुए वक्फ बोर्ड CEO पर एजेंडे लाने में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया था। वहीद अहमद एडवोकेट ने दावा भी किया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तारीख में ये पहला मौका है जब बोर्ड के अरकान को एजेंडा देने में इतनी ताखिर की गई है। उन्होंने CM KCR से इस मामले पर सख्त नोट लेने की भी अपील की।